बाराबंकी जिले के भाई गांधी सभागार में देखा तो पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया जाती है, जिसमें बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी शामिल होते हैं। और मैं देखा था भैया, धर्मों के धर्म गुरु भी सब जने आवती हैं भैया, तमाम समाज सेवी भी आवती हैं, और जो भैया ईदगाह कमेटी के सदस्य होते हैं वो सब जने भी आवती हैं। और सब जनन का देखा तो बाराबंकी जिले के DM सत्येंद्र कुमार जी शपथ भी दिला दी कि देखो भैया, ना धर्म में बंटना है, ना जाति में बंटना है, ना वर्ग में बंटना, ना समुदाय में बंटना है, और भारत के सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाना है, हम सभी को मतदान करना है। वाह भैया वाह, क्या बात है। हम कहला तरीका आपका बता दी, बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। दूसरा खबर देख ली था, अब यू देखो बाराबंकी जिले के फतेहपुर क्षेत्र में 3 युवकों का गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना भैया फतेहपुर की पुलिस टीम द्वारा भैया बड़ा खुलासा किया गया, 3 भैया साथ लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। एक लूट की घटना में रहा जिसका सफल अनावरण किया गया, इनके कब्जे से भैया देखा तो 6 ठोरी मोबाइल फोन और तमाम चीजें और एक तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम कल तक आपको बता दी, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया, मादक पदार्थ की तस्करी करने से पहले तनिक सावधान हो जाओ, मामला बाराबंकी जिले बतावा जा रहा है, जहां पर देखा तो नवाबगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दिया 6 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। आपका बता दें कि मादक पदार्थ की तस्करी क्या करता रहा भैया सरगना के सदस्य की देखा तो चल अचल संपत्ति 6 लाख की कुर्क कर दी गई। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। दूसरा खबर देख लो। अब भैया बुरा ना माने, लेकिन दोस्तों के सामने अगर कह दो कि हर रही बाबा ना बनो जाता, गुस्सा आ जाता है लौंडे, अरे बहुत जोर से तमतमाए जाते रहे। अब क्या ही हम आपको बताएं भैया, 2016 में कथाकथित वीडियो सोशल मीडिया पर बाबा जी की वायरल भैर है, जिसके बाद बाबा जी जेल चले गए हैं। अब बाबा जी देखा तो भैया जमानत पर बाहर आते हैं, फिर लखनऊ स्थित अपने घर पर रह रहे थे। अब पता चला कि भैया उनके दिल में दिक्कत होती है, जिसके बाद उनका सब जने लारी अस्पताल ले जाती है, जहाँ पर उनका निधन हो गया। अब हर रही बाबा भैया दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए, देवा इलाके के ग्राम भैया हर रही स्थित वहाँ पर बकदा भैया शक्तिपीठ के संस्थापक रहे राम शंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद जी का भैया हर रही बाबा भी सब जने कहते रहे। गुरुवार की सुबह करीबन 5:30 बजे दुनिया का छोड़ करके रुखसत हो गए, सूत्रन के अनुसार जानकारी मिली। हम कल तनिक आपका बता दी, बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरा खबर देख लो। अब ईदगाह कमेटी के सदस्यों के साथ बाराबंकी जिले के भैया देखा तो नगर कोतवाली में बैठक की जाती है। इस दरमियान ताजवा रहीन भी रहा है भैया, पुलिस अधिकारी भी रहे हैं। आपका बता दें कि देखो भैया, ईद का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर के बाराबंकी जिले के उप जिलाधिकारी नवाबगंज के विजय कुमार त्रिवेदी जी और क्षेत्राधिकारी CO साहब जगत करौजिया जी काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इस दरमियान देखा तो भैया नगर कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी जी और सिटी चौक इंचार्ज के साथ और भैया जो ईदगाह कमेटी के सदस्य हैं ताजवा रहीन के साथ भैया उनके तमाम सदस्यों के साथ बढ़िया बैठक हुआ, बातचीत हुआ रहा है कि कैसे बकदा मस्जिदों में नमाज पढ़नी है, काका बकदा समय रहेगा कैसे, कहा भैया शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, इन सबकी बकदा अपील भी की जा रहा है। हम गलत नहीं आपका बता दी, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम से हाजी गोल सफर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।